1 जून को होने जा रहे आम लोकसभा चुनाव को लेकर जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को आज चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों को 31 मई को मतदान के लिए तैयार करेंगे, जबकि 1 जून को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं SDM जोगिंदर नगर मनीष चौधरी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैनात मतदान दलों को आज चुनाव सामग्री के साथ उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 131 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए कुल 656 मतदान कर्मियों को लगाया गया है, जिसमें 33 मतदान दलों के 132 कर्मियों को रिजर्व में रखा गया है। इसके अतिरिक्त 3 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 80 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 11 मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और 40 की फोटोग्राफी भी होगी। जोगिंदर नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 131 मतदान केंद्रों में से 3 क्रिटिकल श्रेणी में हैं, जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से करीब 280 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों में पुलिस और होमगार्ड जवानों के अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात रहेंगे। बता दें कि जोगिंदर नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इस बार 1,968 मतदाता संसद का चुनाव करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 49,946 और महिला मतदाताओं की संख्या 51,022 है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।